हेलो एवरीवन, चॉकलेट तो हम सभी को पसंद होती है और चॉकलेट से बनी सभी रेसिपीज़ भी हम सभी को बहुत पसंद होती हैं। तो आज हम बनाएंगे 15 मिनट में बनने वाली चॉकलेट पुडिंग। बहुत ही क्रीमी, सॉफ्ट और टेस्टी लगती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, उसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे। इसमें हम 4 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, 1 पिंच नमक डालेंगे और इन सबको छान लेंगे। अब हम इसमें आधा कप शुगर डाल देंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 कप फुल क्रीम दूध डालेंगे, लेकिन दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और इसको लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें कोई लम्स भी नहीं है। अब हम इसको पकाएंगे। पैन को हमने गैस पे रखकर फ्लेम को मीडियम पर कर दिया है। मिक्सचर को हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक कि ये ठीक ना हो जाए। ध्यान रखें कि फ्लेम हमें मीडियम पर ही रखनी है और इसको लगातार चलाते भी रहें, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। ये देखिए, मिक्सचर गाढ़ा हो गया है। अब हम फ्लेम को लो पर कर देंगे और इसमें 50 ग्राम डार्क चॉकलेट डालेंगे। थोड़ा सा एक बार मिक्स कर देते हैं इसको। अब हम इसमें 4 टेबल स्पून क्रीम डालेंगे। इनको अब हम लगातार चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारी चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट ना हो जाए। चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो गई है और क्रीम भी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको गैस से उतार लेंगे। इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस की डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और ये हमारा चॉकलेट पुडिंग का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसको सर्विंग बोर्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए, ये कितना क्रीमी और स्मूथ लग रहा है। थोड़ा सा इनको टैप कर देंगे। इसको हम रूम टेम्परेचर पर पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इनको 4-5 घंटे के लिए या पूरी रात भर के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे। उसके बाद ये हमारी चॉकलेट पुडिंग खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये देखिए, चॉकलेट पुडिंग को हमने रात भर के लिए फ्रिज में रखा था और ये अब बिल्कुल तैयार हो गई है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी ग्रेटेड वाइट चॉकलेट डालेंगे और थोड़े से चोको चिप्स। ये देखिए, ये कितनी स्मूथ बनी है। आप भी इसको घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।